बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस है को स्टडी करने जा रहे हैं। पेपर्स में बहुत पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इस क्वेश्चन को आप यूं भी वो पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, इस तरह भी वो आपसे पूछ सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं गैस जो एक क्यूब के अंदर मौजूद है, एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है, सॉरी क्यूब के अंदर मौजूद है, और हर एक साइड की जो लेंथ वो एल एल। और फर्स्ट करें एक गैस जो गैस का एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, ये गैस का मॉलिक्यूल है और वेलोसिटी वी एक्स के साथ ये यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है। अब जैसे ये यहाँ से मूव करेगा तो सामने वाले फेस से ये कोलाइड करके बाउंस बैक हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो फोर्स वो अप्लाई करेगा, याद रखिएगा वो किसके बराबर होगी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट से क्या मुराद है, आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा आपके पास। लेट्स सपोज मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एम वी होता है, बट वेलोसिटी हेयर इज एम वी एक्स है आपके पास। तो मोमेंटम आप यूँ लिख सकते हैं एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज को आप इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम कर दें। इनिशियल मोमेंटम इसका एम वी एक्स है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं फेस से कोलाइड करने के बाद जब बाउंस बैक होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई अगर इसको हम करते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स अपॉन टाइम हो जाएगा। इन दोनों को आप एड अप कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह का फार्मूला सा ड्राइव हो जाएगा, टू एम वी एक्स अपॉन टी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप वन का नाम दे दें। जब ये गैस का मॉलिक्यूल इस पॉइंट से लेकर इस फेस को कोलाइड करेगा तो इसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा फ्रॉम वन फेस टू अदर फेस वो आपका एल है, लेकिन बाउंस बैक होने के बाद दोबारा वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वो अगेन एल होता है। यानी कि टोटल डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल का फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस कितना बन रहा है, वो टू एल बन रहा है। तो हम लेट्स सी, मैं कह सकता हूँ कि S इज इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया होगा वी टी एस, इस केस के अंदर इस गैस के मॉलिक्यूल के लिए वो 2L है। वेलोसिटी आप देख सकते हैं हमने कौन सी कंसिडर की है, वी एक्स कंसिडर की है, टाइम को एज इट इज़ रहने दें। अब ये वी एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के इसको क्या कर दें आप, डिवाइड कर दें। तो कुछ ये सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, 2L अपॉन वी एक्स आ जाएगा। नाउ ये टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट टी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एफ इज इक्वल टू टू एम वी एक्स अपॉन टी की जगह ये वैल्यू टू एल अपॉन वी एक्स हो जाएगा। ये टू टू से रिड्यूस हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास F की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एम वी एक्स, या अपॉन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा वी एक्स के साथ तो स्क्वायर हो जाएगा और ये एल आ चुका है। ये वो फोर्स है जो एक गैस के मॉलिक्यूल की है। अगर हम हमने सिंपल एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं एन नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो उन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फोर्स बन जाएगी आपके पास, हम उसको यू लिख सकते हैं एफ वन इज इक्वल टू एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगी।
F2 के लिए E वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, m v2x स्क्वायर अपॉन l हो जाएगी, एंड सो ऑन. Fn जो होगा आपके पास वो m vnx स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा. ये डिफरेंट फोर्सेस हैं, और अगर हम टोटल फोर्स एड अप कर लें इन सब फोर्सेस को, तो टोटल फोर्स जो होगी आपके पास वो कुछ इस तरह से आ जाएगी. तमाम फोर्सेस को हम ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यूज इनके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें, एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल एम वी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल. यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो मास से आप मास को कॉमन ले लें, और आपकी लेंथ जो है ये भी क्या है, कॉमन आप आ सकती है. बाकी जो चीज़ रहेगी वो वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर डैश 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 वी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये टोटल फोर्स है ड्यू टू एन मालिक्यूल जो इस पूरे कंटेनर के अंदर, इस क्यूब के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ये आपके पास एक फार्मूला मौजूद है. नेक्स्ट जो काम करना है आपने, ये मालिक्यूल जब फेस से टकरा रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करने से एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है. उस प्रेशर को हम अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. प्रेशर, वी नो दैट कि प्रेशर इज एक्चुअली व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया. और उस क्यूब का जो एरिया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. क्योंकि क्यूब है, तमाम साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं. अब फोर्स की वैल्यू आप वहाँ से इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें. फोर्स जो है आपके पास एम अपॉन एल वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर डैश डैश वी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट एरिया, एरिया एल एल सा एल स्क्वायर हो जाएगा. मज़ीद सिंप्लीफाई करें आप इसको तो एम अपॉन एल क्यूब वी वन एक्स स्क्वायर डैश वी टू एक्स स्क्वायर एंड वी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास. अब उसके बाद अगर हम एक चीज़ और कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एवोगैड्रोस वॉल्यूम होते हैं आपके पास, एल क्यूब होते हैं. आपने ये करना है कि इस एल क्यूब को यहाँ लें और एन को यहाँ ले जाएं आप, तो ये हो जाएगा आपके पास एल क्यूब इज़ इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन हो जाएगा. अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं आप इस एल क्यूब की जगह पुट कर दें तो प्रेशर कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, एन अपॉन एन और वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर डैश 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 वी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये एन डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दें इसको, एम एन हो जाएगा, और ये एन जो होगा आप इसके अपॉन में ले जाएं, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर डैश डैश वी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में एन आ जाएगा. नेक्स्ट जो काम करेंगे हम लोग, एम एन जो होता है दरअसल दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, तो इसकी जगह हम डेंसिटी पुट कर देते हैं. हम जानते हैं कि एम एन जो होगा आपका दैट इज एक्चुअली डेंसिटी, तो इसकी जगह आप डेंसिटी पुट कर लें तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, रो वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर डैश डैश वी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा आपके पास. ये जो वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर डैश डैश वी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, ये दरअसल आपकी रूट मीन स्क्वायर
स्पीड कहलाती है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर डैश डैश वी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इज एक्चुअली व्हाट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। इस पूरे की जगह आप वो वैल्यू पुट कर दें पी इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बार रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सिंबल है आपके पास। उसके बाद चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं यूँ मूव कर रहा है यहाँ से यूँ जा रहा है अगर बॉडी की वेलोसिटी यूँ है यूँ कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा वी एक्स कहलाएगा ये वाला कंपोनेंट वी वाई कहलाएगा। और इस तरह अगर गैस मॉलिक्यूल्स यूँ मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये वी वाई हो जाएगा और इस तरह वाला मॉलिक्यूल जो होगा आपका क्या होगा वी एक्स होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो चूँकि हम थ्री डायमेंशनल बात कर रहे हैं क्यूब की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के जो टोटल कंपोनेंट्स होंगे वी स्क्वायर होगा वो आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के बराबर होगा। बट ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे लेंथ इक्वल इन स्पीड होंगे तो आप कह सकते हैं कि वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर तीनों इक्वल है तो आप इन तीनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास कुछ सिंप्लीफाई होकर यूँ आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई जो है वो भी कंपोनेंट सेम रहेगा। अब तीनों को ऐड अप कर दें आप लोग थ्री वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड होगा वन अपॉन थ्री वी स्क्वायर आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर। ये वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अब आप इसे इक्वेशन नंबर थ्री कह दें आप नौ इस वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इस जगह पुट कर दें आप लोग ये एक्स की बात हो रही तो इसको यहाँ पे एक्स से डिनोट कर दें आप लोग नौ इस वी एक्स की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी पी इज इक्वल टू रो वी एक्स स्क्वायर की जगह वन अपॉन थ्री वी स्क्वायर आ जाएगी या इसको आप यूँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं वन अपॉन थ्री रो वी स्क्वायर। तो ये था जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो ड्राइव करने का कहा गया था वी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रो वी स्क्वायर। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।